आईपीएल 2018 की नीलामी के बाद कौन सी टीम है सबसे खतरनाक, जानिए इस रिपोर्ट में। आईपीएल 2018 की नीलामी में कई देशी और विदेशी खिलाड़ियों पर जमकर पैसा लुटाया गया। इस नीलामी के पहले ही दिन सभी दिग्गज टीमों ने अपने प्रमुख खतरनाक खिलाड़ियों को चुन लिया है। हम आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम की जानकारी दे रहे हैं। थर्ड पार्टी इमेज रेफरेंस। चेन्नई सुपरकिंग्स। थर्ड पार्टी इमेज रेफरेंस। चेन्नई ने पहले दिन कुल 8 खिलाड़ी को बड़ी रकम में खरीदा। आप जानते ही होंगे, इससे पहले वह धोनी, रैना, जडेजा को रिटेन कर चुके हैं। टीम महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, अम्प्टी रायडू, फाफ डू प्लेसिस, कर्ण शर्मा, इमरान ताहिर, हरभजन सिंह, शेन वाटसन, केदार जाधव, ड्वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा। मुंबई इंडियंस। थर्ड पार्टी इमेज रेफरेंस। मुंबई ने पहले दिन सबसे कम काफी खिलाड़ी खरीदे। इससे पहले वह रोहित हार्दिक बुमराह को रिटेन कर चुके हैं। टीम रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, मुस्ताफिजुर रहमान, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, हार्दिक पांड्या, किरण पोलट, कृणाल पांड्या। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। थर्ड पार्टी इमेज रेफरेंस। बेंगलोर ने पहले दिन कुल 11 खिलाड़ियों को महंगे दाम में खरीदा। वह कोहली, डिविलियर्स, सरफराज को पहले ही रिटेन कर चुके हैं। टीम विराट कोहली, ब्रेंडन मैकुलम, एबी डिविलियर्स, मनन बोहरा, क्रिस वोक्स, युजवेंद्र चहल, उमेश यादव, अनिकेत चौधरी, कुलवंत खेजरोलिया, नवदीप सैनी, क्विंटन डीकॉक, कोलिन डी ग्रेडहोम, मोइन अली, सरफराज खान। दोस्तों हमें